तो चलिए बनाते हैं अपनी दम आलू की रेसिपी। मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है और फिर इसको ऐसे ये टू पीसेस में कट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने ये फोक से इनमें ऐसे फोक से कर लिया है ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं। उसके बाद ये कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, कढ़ाई में तेज तेल गरम हो जाए, फिर हम इन्हें एक एक करके फ्राई कर लेंगे। अब ये आलू सारे फ्राई हो गए हैं ऐसे गोल्डन कलर के, गोल्डन ब्राउन कलर के। दम आलू की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने लिया है काली मिर्च दो चार लौंग और छोटे छोटे दो तीन टुकड़े दालचीनी के। अब हम ये खड़े मसाले डाल देंगे इसके अंदर, तेल के अंदर। ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। ये हींग, थोड़ा सा हींग। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो पहले मैंने लिया है ये धनिया पाउडर डालेंगे। गैस को मंदी रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। ये लाल मिर्च, इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। अब ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल रही हूं। ये मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी है। अब गैस को तेज कर लेंगे और इसको पकने देंगे। जब हमारे टमाटर घी छोड़ देंगे इसका मतलब वो पक चुके हैं। टमाटरों ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये मैंने ली है मलाई, एक कटोरी मलाई डाल रही हूँ मैं। सिंपल घर की मलाई, दूध की मलाई जो होती है वो डाल रही हूँ मैं, एक कटोरी। एक बॉईल आने देते हैं। अब इसमें बॉईल आ चुका है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक बाउल दही, एक कटोरी दही। मैंने एक कटोरी दही ऐड कर दी है इसके अंदर। फिर से एक बॉईल आने देंगे। ये बॉईल आ चुका है इसके अंदर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी केचप सॉस। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इससे कलर भी आ जाएगा और हल्का सा मीठा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने आलू फ्राई करे थे, जो आलू हमने फ्राई करे थे, अब वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने सारे आलू इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। अब नमक अच्छे से आलू के अंदर रम जाए और अच्छे से जो ग्रेवी का टेस्ट है आलू के अंदर चला जाए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी इसको। गोभी मटर की रेसिपी के लिए हम
कर लेंगे, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग। ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है, 2 मिनट में बन जाएगी। थोड़ा सा जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये हमारी टोमेटो प्यूरी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर टोमेटो प्यूरी। अब मैं डालूंगी इसमें ये हल्दी। अब मैं इसके अंदर टोमेटो को पकने के बाद, टमाटर को पकने के बाद, ये ऐसे ऐसे दिख रही है मेरी कुछ टोमेटो प्यूरी, फूल गोभी कटी हुई। मटर और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। ये हमारे दम आलू हो चुके हैं, बॉईल अच्छे से आ चुका है इसमें। अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और थोड़ी सी खटाई। ये हमारे दम आलू बनके बिल्कुल रेडी हैं। देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है सब्जी में। ये गोभी मटर तैयार हो गई है। थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये मेरी बढ़िया गोभी मटर रेडी हो गई है। अब बनने जा रही है गर्मा गर्म पूरियां। टेस्टिंग के लिए चलते हैं पापा जी के पास, वो बताएंगे कि उनको कैसी लगी 2 रेसिपीज, दम आलू और गोभी मटर की रेसिपी। ये है हमारे दम आलू, ये गोभी मटर, दही और मूली का लच्छा। अब टेस्टिंग हो रही है, पापा जी खा रहे हैं, टेस्ट करके बता रहे हैं कैसे बने हैं दम आलू। बहुत बढ़िया। गोभी मटर की सब्जी दोनों बढ़िया, एक से बढ़कर एक।